हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है। और ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, बोलो कुछ। हाय। और यूट्यूब माई चैनल। तेरा चैनल कहाँ है? ये बोला है मेरा चैनल नहीं है पर ये मेरा ही है, मेरे चैनल को ये अपना बता रहा है। तो प्लीज़ यार, इसके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बेचारे की तरक्की हो जाए। पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, कम से कम यूट्यूब चला के तरक्की कर ले। तो गेम बहुत देखता है आजकल, बहुत सारे लड़के हैं जो कि गेम खेल खेल के पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी कोशिश कर रहा है पर इसको पढ़ाई नहीं करना है। कल इसकी बहुत ज़्यादा धुनाई होने वाली है, क्योंकि कल इसकी पीटीआई है और इसको बहुत सारे कंप्लेंट मिलने वाले हैं। तो हम इसकी धुनाई करने वाले हैं। तो आपने बोला था मैं पढ़ूंगा अभी जाके, तो मुझे नहीं पढ़ेगी। हाँ, तो अभी 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 आधा घंटा पढ़ने से इसकी धुनाई कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया था कि मेरा ब्लॉग आज मतलब स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे घर में जो प्रोग्राम होने वाला है तो उसका एक पहला स्टेप हम आज से चालू कर रहे हैं, पहला स्टेप। उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेप चालू होते जाएंगे, सारे चीज़ें होती जाएगी और आप लोग को शेयर करती जाऊंगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, कपड़े फोल्ड करने हैं। और अभी मैंने फिर से नहाया है क्योंकि हमें बाहर जाना है, और कहाँ जाना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जो थोड़े मेरे काम है मैं फिनिश कर लेती हूँ। इसके बाद थोड़े कपड़े मैंने डाले थे मशीन में, धुल के हो गया है तो मैं वो भी फटाफट डाल ले रही हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरा फाइनली सारा काम हो गया है, अब बस मैं बाल सुखाऊंगी और किचन में थोड़ा सा काम रह गया है, बर्तन धोना रह गया है लंच का। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर हम निकलेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये है शादी का कार्ड और इसमें लगाने जा रहे हैं हम लोग हल्दी और कुमकुम। क्योंकि ये कहाँ हम लेके जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो ये रहे हमारे गणपति बप्पा। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि ये है हमारा पहला प्रोसेस। तो अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो आप लोग को पता है पहले गणपति बप्पा का पूजा किया जाता है, कोई भी रस्म हो, कोई भी पूजा पाठ हो, मैं आपको बताती हूँ। अरे देखो, बाहर हो रही है बारिश, बिन बादल बरसात मुंबई में हो रही है बारिश, और हमें इस बारिश में जाना पड़ रहा है मंदिर, और मंदिर जाना पड़ रहा है शादी का कार्ड चढ़ाने। तो मेरे देवर की शादी है तो ये पहला प्रोसेस है शादी का कार्ड चढ़ाना। तो हम जा रहे हैं मंदिर कार्ड चढ़ाने, तो आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो वीडियो में बने रहे, उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, वो भी शादी की सारी रस्में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। और यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश में मेरा हो रहा है फ़ोन ख़राब, और मैं खोल लेती हूँ छतरी, नहीं तो फ़ोन मेरा भीग जाएगा, और मैं मास्क भी पहन लेती हूँ। मिलती हूँ अभी मैं मंदिर में ही आप लोग से। तो देख सकते हैं ये है बारिश, यहाँ लगी हुई है पानी, ऐसा लग रहा है सावन भादों चल रहा है। और आगे आगे मेरी जेठानी जी जा रही हैं कार्ड चढ़ाने के लिए, और पीछे है छोटी, और उसके पीछे हूँ मैं बहुत पीछे हूँ। मैं अपना फ़ोन संभाल रही हूँ, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं मंदिर, और ये आ गया है शिव मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ का शिव मंदिर है, तो यहीं हम आए हैं कार्ड चढ़ाने। अगरबत्ती लियो ना तो अगरबत्ती दिखा देना। तो हाँ, हल्दी कुमकुम तो लगी गया है, ठीक है। बारिश होने की वजह से कार्ड हमारा गया है भी, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो हम आ गए हैं मंदिर में, अब जा रहे हैं अंदर कार्ड चढ़ाने, देख सकते हैं। हमारे भोले बाबा,
ओम नमः शिवाय। और यहाँ देख सकते हैं पुजारी जी बैठे हुए हैं दो दो। अगर किसी को कुछ पूजा पाठ करवाना है तो यहाँ आके बात तक कर सकता है, पर हम हमारे दादी के लिए पंडित जी का इंतजाम कर चुके हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं पीछे साइड शीतला माता के मंदिर में भी चढ़ाना है एक कार्ड शिव भगवान को और एक शीतला माता को। जैसे हमारे गांव की जो कुलदेवी हैं शीतला माई हैं तो उनके नाम पे ही कार्ड चढ़ाना है, तो गांव हम नहीं जा सकते, इसीलिए ये है शीतला मैया, तो यहाँ ही हम चढ़ा दे रहे हैं। शिव भगवान को भी कार्ड चढ़ गया, तो यहाँ का ये लगभग हो चुका है। और ये देख सकते हैं भंडारा हो रहा है शायद, तो यहाँ तैयारी हो रही है। कार्ड चढ़ा के हो गया, देख सकते हैं हमारा। हेलो बोल छोटी। तो अब हम चलते हैं घर, तो हमारी पहली तैयारी चालू हो गई है कार्ड चढ़ाने से, और उसके बाद कार्ड बांटा जाएगा, बाकी की रस्में चालू होगी। तो अब हम जा रहे हैं घर, और बाहर बारिश हो रही है, बिन बादल बरसात, आजकल कौन बारिश करता है भाई, इधर भगवान बारिश करा रहे हैं, इतनी बारिश की पूछो मत, ऐसा लग रहा है कि बारिश का ही मौसम है। आपको दिखाती हूँ, देखो लग रहा है ना बारिश का मौसम है। और आगे मैं आप लोग को गौ माता को दिखा रही हूँ, मंदिर के सामने एक गौ माता तो जरूर होती है। और ये देखो ये है गौ माता, गौ माता कैसे लड़ाई कर रही है, देखो गौ माता लड़ रही है एक दूसरे में, पेट भरा नहीं है। भाई कुछ लेके आओ गौ माता को खिलाने के लिए, तो अभी गौ माता को खिलाने जा रही है और उसके बाद मैं खिलाऊंगी। डर लग रहा है मारे ना, गौ माता मरियो नहीं, हम आपको लड्डू खिला रहे हैं, कितनी प्यारी है ना, मेरा लड्डू भी चला गया, अभी मैं तो खिलाऊंगी। ये अभी मैं खिलाने जा रही हूँ, ये छोटे वाले को नहीं खिलाए थे ना, एकदम छोटे वाले को नहीं खिलाए थे। उसको नहीं खिलाई हो ना इसीलिए। आंटी एक और दो और दे दीजिए, खिला रही खिलाने के बच्चे वाले, बार बार खिला रही हूँ, ये देखो गुस्सा आ रही है, इसको नहीं खिलाया गया, अरे मार के रही हूँ उसको, बार बार बाहर खिला रही हूँ। आंटी दो ना, दो कहाँ चलेगी, नहीं ला रही है ये किसको खिलाना है, ये बेचारी मुझे मार रही है, लड्डू खत्म हो गया तो ये हम खिला रहे हैं, उसी में वो भी खा रहा है, ये सही है। माता को खिलाने के बाद अब हम चलते हैं घर, आप लोग भी जरूर खिलाइएगा, अगर आप मंदिर आ रहे हो तो गौ माता को या तो चारा या तो लड्डू जो मन करे आप इन्हें जरूर खिलाएं, और पैसा आंटी जी को दे पॉकेट में ना खिलाए। ये आंटी ने दिया खिलाने के लिए, ये आंटी ने दिया गौ माता इन्हीं के हैं, तो आप लोग आओ ढेर सारा पैसा इनके दो और उनको खिलाओ। मार दिया आंटी, अभी ऐसी जगह की पूछो मत, तो अरे मेरे छतरी छोटी आंटी वो छतरी पकड़ाओ ना, मेरी छतरी उधर ही छूट गई। यार क्या बादल है, क्या बरसात है, शादी कैसे होगी,
तो चलो अभी चलते हैं घर और वीडियो का डी एंड भी कर देते हैं घर पहुंचने के बाद, क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है और घर पे अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो आप लोग को पता है घर पे शादी है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो फटाफट घर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, घर पहुंच गए। ये आ गई हमारी बिल्डिंग और हम जा रहे हैं अब ऊपर, अपना काम करेंगे और अब हम यही वीडियो का कर देते हैं डी एंड। देख सकते हैं हम यहाँ से निकले थे फिर यहीं पहुँच गए। मिलते हैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।